दानियाल, ये क्या बात हुई? तुम वादा करके चुपचाप चले गए। आई एम सॉरी आंटी, मगर हानिया को पसंद नहीं कि मैं आपके किसी भी काम हूँ। हानिया की फिक्र छोड़ो, वो शुरू से ही ऐसी है। कोई हमदर्दी भी कर लेना तो कहती है कि एहसान कर रहा है। सेल्फ मेड है ना, अनापरस्त, खुददार, अपना भरम टूटने नहीं देती। अच्छा तो आंटी, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल आपके पास आ जाता हूँ, और वैसे भी आई थिंक हानिया ऑफिस में ही होगी। हाँ बेटा, मेरी हेल्प कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे शहर में बिल्कुल अजनबी हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आंटी, ख्याल रखिएगा। मैंने आपको मना किया था ना, ये क्या करी थी आप? मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अम्मी। तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते, तुम्हें मौके से और अपनी सीट से फायदा उठाना बिल्कुल नहीं आता। ये फायदा नहीं, धोखा है, फरेब है ये। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं दानियाल के पैसे लेके भाग जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मजदूरों के पीछे पीछे नहीं भागना है मुझे। और वैसे भी मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, छोटा सा तो प्रोजेक्ट है मेरा। अच्छा ज्यादा परेशान ना, ये बताओ ये क्या लेके आई? ये ग्रोसरी है और जोया का कुछ सामान है। जाओ जोया, मैं आ रही हूँ। ये लड़की भी ना, कभी इसे जीना नहीं आएगा, तरक्की तो ये कर ही नहीं सकती।